हेलो, दिस इज़ अमित शेख, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। वेलकम यू ऑल। इस बार होने वाली गेट 2021 एग्ज़ाम आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कर रही है, और इतने सारे डिसिप्लिन में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। विद रिस्पेक्ट टू कोड दिया गया है, ये एग्ज़ाम होता है एमसीक्यू पैटर्न, और इसमें होते हैं टोटल 100 मार्क्स और 65 क्वेश्चंस। अभी कुछ क्वेश्चंस इसमें होते हैं एनएटी टाइप, जिसको अपन न्यूमेरिकल आंसर टाइप बोलते हैं, जिनको नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बाकी सबको रहेगा। और टोटल क्वेश्चंस रहेगा इसमें 65, 30 क्वेश्चंस एक मार्क के लिए, 35 क्वेश्चन दो मार्क के लिए। जैसा कि नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक नंबर कहाँ पे रहेगा, दो मार्क कहाँ पे रहेगा, और इसमें से 10 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है इसको, यानी कि एक मार्क के लिए 0.33% और दो मार्क के लिए 0.66%। सो वेरी बी केयरफुल सॉल्विंग दिस टू मार्क एंड वन मार्क क्वेश्चंस। ओके, फिर उसके बाद आपको सिस्टम नंबर मिलेगा, जहाँ पे आपका सिस्टम नेम और नेम आपका रहेगा। सिस्टम नंबर और नेम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहती है। उसके बाद आपको लॉगिन करना होता है यूज़फुल क्रेडेंशियल के साथ। लॉगिन जो है वो वर्चुअल कीबोर्ड से कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद प्रोसेसिंग होगा और आपको आपका प्रोफाइल रिसीव होगा। अभी प्रोफाइल मतलब क्या होता है कि जिसमें आपका फ़ोटो, रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, ठीक है, ये सब आपका वहाँ पर रहेगा। सो देन यू आर कन्फर्मिंग। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा सबसे पहला जो होता है जनरल इंस्ट्रक्शन, है ना, तो वो होगा सबसे पहले कि बताएंगे कि 180 मिनट्स का आपका काउंटडाउन प्रोसेस रहेगा। 180 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जो है कलर्स में आपको क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए दिया गया। जैसे सबसे पहला जो दिखता है यहाँ पे कि ऐसा क्वेश्चंस आपने इसको विजिट नहीं किया है, ठीक है, एक। दूसरा हमारा जो रहेगा कि विजिट किया है बट आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया, यानी कि आंसर नहीं किया, तो इसका मतलब ये हो गया दूसरा, ठीक है, जिसको ऑरेंज कलर में लिखा है। ग्रीन कलर में जो रहेगा, जिसको बोलेंगे अपन आंसर किया है और उसको कंसिडर जो भी हो गया आपका इवैल्यूएशन किया, यानी कि आपने सेव किया है। और चौथा होता है मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि उसको अटेम्प्ट किया है बट आपने आंसर नहीं किया। तो इस तरह से ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। उसके बाद आप नेविगेट का एक ऑप्शन होगा, इसके बीच में कहीं पर भी आप जंप कर सकते हैं थ्रू बिटवीन द एग्जाम। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आपके पास एक वर्चुअल कीबोर्ड दिया गया, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस दौरान तीन ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका सेव फॉर द नेक्स्ट, यानी कि सेव एंड नेक्स्ट करना होता है आपको, यानी कि आपका क्वेश्चंस हो गया मार्क के लिए। दूसरा होगा मार्क फॉर रिव्यू, और तीसरा होगा आपका क्लियर रिस्पांस। ऐसे तीन आपको ऑप्शंस यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शन पार्ट में आपका रहेगा। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह जो है वो अलाउ नहीं होते। एग्ज़ाम जो है ऑटोमेटिकली आपका बंद हो जाएगा 180 मिनट के ड्यूरेशन में, ठीक है, जिसका काउंटडाउन आपको ऑलरेडी राइट साइड में दिया रहता है टॉप पे। और इसमें इस दौरान आपको कहीं जाना नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो अलाउ है ही नहीं, ठीक है। इस तरह से आपका रहेगा। और जिन लोगों को आईआईटी, जिन लोगों को मॉक टेस्ट देना है, वो लोग आईआईटी गुवाहाटी की वेबसाइट 2018 की चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है न्यूमेरिकल आंसर टाइप का, क्वेश्चन नंबर 15 वाला, कि जिसको नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आपको एक जस्ट प्रॉपर एक आंसर, आपको प्रॉपर नंबर डालना होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस, कुछ मॉक टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मैंने बताने की कोशिश की आपको। सो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है गेट एग्जाम की, आने गेट एग्जाम के लिए, आप उसको बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए और पूरे टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश कीजिए उसको। और माय बेस्ट विशेस विथ यू एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग गेट एग्जाम। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।